उसकी दाल से सब होने का यकीन, जो उसकी तरफ लौट कर जाना है, इन चीजों का यकीन कब आएगा हमारे दिल में? जब हमारी जिंदगियों में दीन आएगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबलीगे दीन के काम से मुंसलिक लोग, चाहे तबलीगी जमात के हों या दावत इस्लामी के, इन्होंने बड़े बड़े लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का जज्बा उजागर किया है। आज हम आपके सामने एक ख्वाजा सरा की वीडियो लेकर आए हैं। तबलीगी जमात का इस पर क्या असर हुआ, या आप उसी की ज़ुबानी सुन लीजिए। इस दुनिया में महल बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, लेकिन अल्लाह जिंदगी में नहीं है, दीन जिंदगी में नहीं है, तो क्या कामयाबी मिली? मेरी कामयाबी फिर तो नाकामी ही नाकामी है मेरे भाई। ये छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी, पता नहीं आज कितनी जिंदगी हमारी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल के सारे बैठे हुए हैं। कितनी जिंदगी गुजर गई, पिछली जिंदगी का पता चला कैसे गुजर गई, आने वाली जिंदगी का भी मेरे भाई नहीं पता चलेगा। और मेरे भाई तीन जिंदगियों में आएगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत से। अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, अल्लाह पाक किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन सारी कायनात के इंसान, जानवर, हैवानात, परिंदे, कीड़े मकोड़े, दरियाओं में मछलियाँ, हवाओं में परिंदे, सब अल्लाह के मोहताज है, हर चीज अल्लाह की मोहताज है। तो मेरे भाई, जब दीन जिंदगी में होगा तो हमारे लिए अमल करना आसान होगा। अल्लाह ताला का वादा अमल के साथ है, अमल के साथ अल्लाह का वादा है, असबाब के साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं है कि मेरे साथ तेरे पास गाड़ी है, दौलत है, सब कुछ है, घर है और मैं कामयाब होऊंगा। नहीं मेरे भाई, असबाब के साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं है, ये तो आजमाइश है। ये एक मस्जिद में बैठकर लोगों से खिताब कर रहा है। अपनी सबका गुनाहों की ज़िंदगी से तोबा करने के बाद इसने अपनी तमाम तर ज़िंदगी को अल्लाह के नाम पर वक़्फ़ कर दिया है। ये तबलीगे दीन के काम से मुंसलिक होने के बाद हज़ारों लोगों के लिए इंस्पायरेशन का बायस बन रहा है, और बिलखसूस अपनी कम्यूनिटी में ये इस्लाम का बड़ा काम कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे इन तबलीगी भाइयों पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल करे, इन्हें अपने इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। कि अल्लाह का कलाम और रसूल अल्लाह का फरमान दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाना है। अल्लाह हम सबको भी दावत और तबलीग के काम से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन।